हेलो किड्स, आज हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे। हमारा तिरंगा। प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है जो उसकी पहचान और उसके गौरव का चिन्ह होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग है। सबसे ऊपर वाला पट्टी केसरिया रंग की है, बीच वाली पट्टी सफ़ेद और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की है। बीच की सफ़ेद पट्टी पर बना है अशोक चक्र जो गहरे नीले रंग का है। देश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराता है। हमारे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किले पर फहराते हैं। इस दिन देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में भी ध्वजारोहण समारोह होता है। वहाँ प्रदेशों के मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं। हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। साथ ही प्रदेशों की राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। तिरंगे के तीनों रंगों का अपना अपना महत्व है। केसरिया रंग वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हमारी हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी पर जो नीला चक्र है वह निरंतर आगे बढ़ते रहने और उन्नति की प्रेरणा देता है। यह चक्र प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने इसका नाम धर्म चक्र रखा था, अर्थात न्याय का राज्य। सम्राट ने पत्थरों पर खुदवाई करवा कर इस चक्र की प्रतिष्ठा करवाई थी। इस प्रकार यह चक्र हमारी प्राचीन संस्कृति का भी प्रतीक है। आकाश में लहराता राष्ट्रीय ध्वज यह घोषणा करता है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। 1. किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता। 2. ध्वज के ऊपर या दाई ओर किसी दूसरा ध्वज नहीं रखा जा सकता। 3. ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं ले जाया जा सकता। 4. किसी राष्ट्रीय नेता या विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, इस अवसर पर ध्वज झुका दिया जाता है। 5. ध्वज को पैरों में या अपमानजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक भारतवासी को अपने तिरंगे पर गर्व है, इससे प्यार है। इसे लहराता देखकर हमारा मन देशभक्ति की भावना और जोश से भर जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा तिरंगा। प्रत्येक देश का एक ध्वज होता है जो उसकी पहचान और उसके गौरव का चिन्ह होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग होते हैं। सबसे ऊपर वाला पट्टी केसरिया रंग, बीच वाला पट्टी सफ़ेद रंग और नीचे वाला पट्टी हरे रंग का होता है। सफ़ेद पट्टी पर बना है अशोक चक्र जो गहरे नीले रंग का है। देश के सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर तिरंगा लहराता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किले में फहराते हैं। और इस दिन देश के सभी प्रदेशों में ध्वजारोहण समारोह होता है। वहाँ प्रदेशों के मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और प्रदेशों की राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक में झंडा फहराया जाता है। तिरंगे के तीनों रंगों का अपना अपना महत्व है। केसरिया रंग वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हमारी हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी पर जो नीला चक्र है वह लगातार आगे बढ़ते रहने और उन्नति की प्रेरणा देता है।
इस चक्र को प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मृति चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने इसका नाम धर्म चक्र रखा था, अर्थात न्याय का राज्य। सम्राट ने पत्थरों पर खुदवाई करवाकर इस चक्र की स्थापना करवाई थी। इस प्रकार यह चक्र हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। आकाश में लहराता राष्ट्रीय ध्वज यह घोषणा करता है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हम सब भारतीयों का फर्ज है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। जैसे पहला, किसी आम व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से नहीं ढका जा सकता। दूसरा, ध्वज के ऊपर या दाईं ओर कोई दूसरा ध्वज नहीं रखा जा सकता। तीसरा, ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं ले जाया जा सकता। चौथा, किसी राष्ट्रीय नेता या अधिक सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, इस अवसर पर ध्वज को झुका दिया जाता है। पांचवा, ध्वज को पैरों में या अपमानजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता। सभी भारतवासी को अपने तिरंगे पर गर्व है, इससे प्यार है। इसे लहराता देखकर हमारा मन देशभक्ति की भावना और जोश से भर जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पूरे संसार में हमारे तिरंगे की जीत हो और हमारा तिरंगा झंडा हमेशा लहराता रहे।